आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी लाइव। हरियाणा के हिसार में गुरुवार देर रात तक किसानों का हंगामा चलता रहा। बाल संबंध में वर्ष 2021 में खराब हुई कपास की फसल की मुआवजा को लेकर धरने पर बैठे किसानों को हिसार पुलिस लाइन में लाया गया। किसानों की गिरफ्तारी पर खबर फैली तो किसानों की भीड़ उमड़ने लगी। बाद में किसानों को देर रात तक पुलिस ने छोड़ दिया। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की ओर से रात को कहा गया कि कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया और देखेंगे, जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले किसानों के धरने के चलते 7 घंटे तक हिसार भारदा रोड जाम रहा। किसान इस बात को लेकर अड़े रहे कि अधिकारी आकर लिखित में आश्वासन दे, लेकिन प्रशासन के किसानों की नहीं सुनी। बता दे कि वर्ष 2021 में खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान 11 मई से बाल संबंध तहसील में धरने पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को किसानों ने महापंचायत बुलाई थी। किसानों का धरना शुरू हुआ लेकिन दिन भर हंगामा चलता रहा। किसान पक्की गिरफ्तारी देने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने शाम को किसानों को उठाया तो भड़क गए। पुलिस को बाद में रिहा करना पड़ा। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता, आजच वाचा आपल्या जवळच्या पेपर स्टॉलवर।